और ये है गेट शांति स्तूप का, ये देख रहे हैं ये गेट है शांति स्तूप का। अब जा रहे हैं शांति स्तूप नजर आ रहा है और वहाँ पे देख रहे हैं पीछे से जो है कैमरा आ रहा है और देखिए गाड़ी भी आ रहा है, इसलिए हम लोग साइड हो गए हैं। ये गेट है शांति स्तूप का और उसके पीछे जो है पीछे में है वहाँ पे शांति स्तूप है, हम लोग दिखाएंगे उधर उस साइड में। और अभी हम लोग जो है यहाँ पे बस एंटर कर रहे हैं गेट के अंदर, शांति स्तूप जा रहे हैं घूमने और आपको दिखाएंगे वहाँ पे शांति स्तूप। बने रहे, आगे पूरा फुटेज मिलेगा आपको इसी वीडियो में, बने रहेंगे इस वीडियो में। और अभी दिखाते हैं आपको शांति स्तूप, घुमाएंगे अच्छे से वो। आज यहाँ का भी प्लानिंग फेल हो गया क्योंकि गए थे लिफ्ट के लिए, देखिए टिकट नहीं मिला यार, लिफ्ट में भी टिकट नहीं मिला। अब देखिए वो भी यहाँ का एक चीज और खासियत है कि 3 साल के ऊपर वाले को 120 रुपया लगेगा और मतलब जितने भी ऊपर हो सबको 120 रुपया है। देखिए पीछे में है और देखिए भीड़ देखिए अभी अभी 3 राउंड तो ऊपर सीढ़ी में घुसा हुआ है और उसके बाद देखिए सीढ़ी चलेगा, देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। तो आज यहाँ हम लोग का लिफ्ट का भी प्लान फेल हो गया, नेक्स्ट संडे को कोशिश करेंगे कि 10 से पहले पहुँचे, उससे फायदा होगा कि दो जगह मेरा आज मिसिंग हो गया, जैसे आज लिफ्ट वाला भी मिसिंग हो गया और जू सफारी भी मिसिंग हो गया। तो अगले संडे को प्रोग्राम बनाते हैं फिर से और ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं अभी से, ताकि उस दिन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हम लोग चाह रहे हैं शांति स्तूप, यहाँ से स्टार्टिंग होता है और यहाँ पे है फर्स्ट जो है यहाँ से गेट इंटर है और यहाँ से आगे से हो जाते हैं निकलते हैं, पीछे जो है ये रास्ता है और यहाँ बगल में रुपये है देख सकते हैं बगल में, यहाँ से जो है वो लिफ्ट वाला है जिससे वो ऊपर जा सकते हैं। दूसरा लिफ्ट है ना जो था ना, सब घूमने का टाइम तो नहीं था। सबसे कम हाइट वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट शॉर्ट मैन किन कर का प्रोग्राम बस ले का पानी से पौधों के लिए सामने तक दे रहा का है हैं हमें पप्पू की तरह समझिए है ये ताली। ये देख रहे हैं थक गए हैं, अभी स्टार्टिंग हुआ है और थक गए हैं, अभी अभी जाना है शांति स्तूप। आ जा नहा, तुम देख रहे हैं ये को तो रनिंग कर रहे हैं, ये को सुस्त हो गया है, अभी आधा दूर भी नहीं चढ़ पाए हैं और हालत खराब होने वाला है। देख रहे हैं पत्थर का जो है बहुत तो बड़ा बड़ा है। अगर आपको बेटर फीलिंग जो अपने कार से करके जमीन नीचे रखते हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, लॉन्ग में बहुत जो है वो ऐसे भी एनर्जी कम लॉस नहीं होता है, लगभग उतना ही हो जाता है। और अभी देखिए आपको रोशन भाई बताएं क्या है नज़ारा, कैसा महसूस बताइए, सबका अपना अपना एंजॉय है, कैसा महसूस कर रहे हैं, फिजिकल महसूस कर रहे हैं, फिजिकली वर्क तो इसमें है पर घूमने का मजा एक्साइटमेंट इसका अलग ही है, तो आप मतलब सबका अलग अलग ही रहता है। ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? नहीं तो पहले भी आ चुका हूँ पर बहुत दिन पहले आया था, लगभग 2-3 साल पहले। चलिए बने रहिए वीडियो में, हम लोग देखिए चढ़ते हैं यहाँ पर बाई रोड या ऊपर ये बाइक का जो है हाइट अच्छा खासा है, बनाई गई शॉर्टकट से बहुत कम लोग आते हैं और बाकी जो है वो जनरल सीढ़ी बनाया गया है जाने के लिए। आराम से तो अब स्थिति क्या है देख लीजिए, प्रकाश भाई सबसे पीछे हैं इस रेस में, स्थिति विल बी कंटिन्यू बट देख रहे हैं कि ठंडा में भी पसीना निकल गया है, बहुत टफ है यार। बताइए क्या है स्थिति, कितना क्रिटिकल है? फीलिंग बेटर बट ऊपर तक तो जाना है। ओके इसमें नो डाउट, नहीं नहीं धीरे धीरे चलते रहना है और देख रहे हैं कितना टफ है। नहीं जैसे कि लूजर पहन के नहीं, बहुत टफ है और यहाँ पे जो है
वो डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट हाइट में है और जो रास्ता बनाया गया है वो बहुत लॉन्ग पड़ता है, तो शॉर्ट अपनाने के लिए देख रहे हैं कि ये जो है बहुत सारे पत्थरों से होकर के उछलना पड़ता है, और कभी फिसल उछल गए तो क्या होगा वो फिसलने के बाद ही पता चलेगा। हाँ तो बताइए भाई, इतना कष्ट करके वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, देखिए डीजीआर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो यार। देखिए ये जो है वो डंडा का सहारा ले रहे हैं और पेड़ को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, और अगो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चल रहे हैं कंटिन्यू, दिखाते हैं आपको। प्रकाश भाई से अपडेट लेते हैं। भाई बताइए यार कैसा हाल है? किसी भी हाल में ऊपर तो जाना है, जाना है ना, नेवर गिव अप यार, वहाँ तक पहुँच करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यू कैन डू इट रोशन भाई, यू कैन डू इट, तो हार नहीं मानना है, चलते रहना धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो बीच में बाधा वो बाधा नहीं आना चाहिए भाई। क्या, क्या बताओ, बताइए कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग इज गुड, द एंड लास्ट इज बेटर नहीं होगा, नेवर गिव अप। मैं ऊपर चढ़ के मानूंगा यार। ओके टिकट काउंटर जो है लिफ्ट से आते हैं, जो लोग रोपे का जो यूज करते हैं वो यहीं पे आते हैं और यहाँ से रिटर्न टिकट रहता है और जाते हैं यहाँ से रिटर्न। भीड़ काफ़ी है और हम लोग भाई जो है सीढ़ी आ रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। इधर जो है साइड साइड में मार्केट लगा हुआ है। इधर कुछ कुछ जो है वो स्टॉल लगा हुआ है, कैप है बहुत सा। इधर जो है वो स्टैचू ऑफ बुद्धा है, यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा भी है, इधर जो है वो कुछ फोटो वोटो है। पहुँच गए हैं बस जस्ट हम लोग, चलते हैं। भीड़ जो है वो काफ़ी है, देख रहे हैं। ओ माय गॉड, फाइनली जाकर के मैं पहुंच ही गया, बहुत पर्याप्त के बाद बस अभी कुछ जो किन्या बचा है बाबू, बस दिख रहा होगा आपको शांति स्तूप, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट शांति स्तूप है और इसका जो हाइट है वो 38 मीटर है। यहाँ पे जो भाई लोग हैं वो आ रहा है, यहाँ पे गेट है वो शांति स्तूप का, और हम लोग बस पहुँच गया। यहाँ पे जो है बहुत सारे मंकी रहते हैं जो आप जो है वहाँ पे फोटो वोटो यहाँ पे कुछ भी जो है छीन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें पास में थोड़ा सा डेंजर जोन माना जाता है। और वहाँ पे आप देख रहे हैं मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है आपको मिलेगा, बहुत ही ओह माय गॉड एक आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मंकी रहते हैं और देख रहे हैं उधर, पास मत करना। राजगीर में जो है यहाँ पे शांति स्तूप बनाया गया है, बुद्ध भगवान जो थे वो महापरिनिर्वाण के बाद जो है यहाँ पे एक स्तूप बनाया गया है, और जानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो 540 BC में हुआ था और उनकी डेथ जो हुई थी वो 483 BC में हुई थी। वो जो है नेपाल में जन्म लिए थे और डेथ उनकी जो हुई थी श्रीनगर में। पाँच मिनट
ठीक है। फाइनली हम लोगों ने राजगीर का शांति स्तूप में पहुंच गए और देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक लोग का बहुत ज्यादा भीड़ है। कल तुमको आइडिया हो जाता ना इस चीज का, इसी में हम लोगों ने घूम लिया है और चलते हैं, सभी को घुमाते भी हैं तो लगे बने रहे। और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत थक गए हैं, बहुत थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है और ये हमें लार्जेस्ट जो है वो साइंटिस्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनाया गया है ये लग रहे देते हम रख देते यहाँ पर। और ये अभी ग्राउंड में नीचे है और इसके जस्ट ऊपर बस आपको बनाया गया है, अभी जस्ट हम लोग चाहते हैं ऊपर में और फिर आपको दिखाएंगे शांति स्तूप जो भी जैसे बनाया गया है। तो फाइनली हम लोग जो है वो शांति स्तूप पहुंच चुके हैं। ये जो देख रहे हैं पीछे ऊपर शांति स्तूप है, इसके वो लोग ऊपर ही चढ़े हुए हैं। हम लोगों ने फाइनली घूम लिया है बहुत, और बहुत जो है मेहनत करने के बाद ऊपर तक चढ़े थे दोस्त, और बहुत जो है हाइट बहुत हाइट है और हम लोग यहाँ शॉर्टकट में आए थे बट फिर भी बहुत अच्छा खासा एनर्जी लॉस हो चुका है। और हम लोग यहाँ से कुछ ही देर में रिटर्न होंगे पटना के लिए, राजगीर टू पटना, और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। बाइक नीचे ग्राउंड में लगा दिए गए हैं और हम लोग बस अब जस्ट निकलेंगे। एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, ये जो है इसकी हाइट जो है वो 38 मीटर है टोटल हाइट, और ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट शांति स्तूप बनाया गया है जो राजगीर में है। और यहाँ पे जो है कुछ बुद्ध भगवान के बारे में हम जानकारी आप लोग बता देते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 540 BC में हुआ था और इनका जो डेथ हुआ था वो 483 BC में हुआ था। और यहाँ पे जो है वो फर्स्ट जो है वो बौद्ध संगीत अपनाया गया था वो 483 BC में, और उसके बाद सेकेंड था वो वैशाली में मनाया गया था उनके डेथ के बाद। फाइनली जो है हम लोग वो ऊपर का ग्राउंड जो है वो घूम रहे हैं शांति स्तूप का, और धीरे धीरे जो है हम लोग उतरेंगे और यहाँ से रिटर्न होंगे और फिर यहाँ से पटना की ओर जो हम लोग निकलेंगे। इनका भी चैनल है मिस्टर ओपी शर्मा ब्लॉग्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप वीडियो में जो है वो लास्ट तक बने रहे, हम लोग रिटर्न जब जा रहे हैं तो दिखाएंगे आपको लास्ट में, वहाँ से जो मेन गेट है वहाँ से इंटर कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे जो है एक जो है वो बुद्ध स्टैचू बना हुआ है और इसकी हाइट जो है बहुत अच्छा खासा है। और यहाँ पे जो है बस हम लोग अब जस्ट उतरने वाले हैं। अभी शांति स्तूप के टॉप पे है, बंदूक को आतंक देखिए भाई। हाँ जहाँ मर्जी वहाँ पे मजाक रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे खुल रहा है। नहीं नहीं वहाँ पे तो वाह देखो भाई बंदर का आतंक। बस यू अरे उससे बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ऊपर में घूम रहे हैं शांति स्तूप पे,
देखिए बैक साइड में शांति स्तूप है और यहाँ पे बगल में डंका बज रहा है, देखिए तो आप देख सकते हैं। और राजगीर अगर शांति स्तूप में आए हैं तो यहाँ से फोटो लेना ना बोले, क्योंकि यहाँ का बैक का जो नज़ारा है ना बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पीछे में दोस्त लोग ने फोटो भाजी में आगे हैं। देखिए आप टॉप से एक छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सामने में गांव है। देखिए ऊपर का नज़ारा लग रहा है पूरा एकदम बादल में आ गए हैं। देखिए बादल कितना छाए हुए है। देखिए अभी हम लोग फाइनली दोस्तों घूम चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। और मिलिए हमारे मित्रगण से, मित्रगण तो आइए साथ में है। अब जाकर के बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है यार, फाइनली जो है वो उतर रहे हैं और देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए मतलब जो उधर से चढ़ने में मज़ा आया उतरने में तो और ज्यादा मजा आ रहा है। देखे है ना दोस्त, कैसा लग रहा है उतरते हुए तुम्हें? मस्त लग रहा है एकदम बहुत। बट चढ़ते हुए कैसा लग रहा था? चढ़ते हुए तो हालत खराब हो गया। माय गॉड, रोशन भाई से पूछते हैं, रोशन भाई कैसा लग रहा है आपको? यहाँ शांति स्तूप यहाँ से मतलब कि सीढ़ी का जगह है, आप यहाँ से देखिए। आज संडे और सैटरडे यार यहाँ का लोकल पब्लिक ने बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। दोस्तों अगर यहाँ पे आए तो सैटरडे और संडे को मत आए, क्योंकि सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ का लोकल मार्केट है ऊपर में। देखिए कितना मजा आ रहा है उतरने, बहुत रिलैक्स फील करने में। हाँ देखिए रोशन भाई को फट चुका था बट उतरने में बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है ना रोशन भाई? देखिए तो आगे का आगे की देखिए, बट बहुत अच्छा है। गर्मी में जितना भी ठंड हो यहाँ पर गर्मी अपने आप लगने लगता है चढ़ने के। यहाँ से देखिए बहुत सा नजारा है और अच्छा खासा दिखेगा आपको यहाँ पे जो है वो पूरा वाइल्ड रॉक वगैरह बहुत बड़ा बड़ा है। कि आप अगर शॉर्टकट से जाना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे स्ट्रेट एकदम डाउनवर्ड, बट मैं तो बोलूँगा कि रिटर्निंग समय में आप सीढ़ी का उपयोग करें, नहीं तो आपका हो सकता है कि लिगामेंट डाउन हो जाएगा। क्योंकि देखिए देखिए रोशन भाई का कुछ स्टेटमेंट एक्चुअली 100% सही बोले रोशन भाई, थोड़ा सा मजा आता है थोड़ा सा जंगल वंगल का आस पास में देख रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं और यहाँ पे फीलिंग बेटर। देखिए घूमने आ सकते हैं यहाँ तक, मैक्सिमम देखा गया है कि रिटर्निंग समय में सारे लोग सीढ़ी का ही उपयोग कर रहे हैं, है ना? जैसे रोशन भाई का भी अभी कुछ देर पहले कहना था कि जो स्ट्रांग है वो अपना शॉर्टकट उपयोग करें अन्यथा सीढ़ी का उपयोग करें। ये देखिए मैंने आपको बोला भी था कि अब कुछ आगे सीढ़ी शॉर्टकट है जो देखिए नजारा है वो देखिए लाइव देख रहे हैं। देखिए ऐसे स्टेट डिफिकल्ट है रोड में जाइए और पर इसका अलग ही मजा है। देख रहे हैं शॉर्टकट में बहुत सारे लोग जो है वो उतर रहे हैं इधर, थोड़ा सा बट आप आराम से उतर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ही पड़ता है। गम की बात यह है कि जिस समय हम लोग ने पटना से चला था उस समय इनका एक बैंड गायब हो गया है ना,
हाँ थोड़ा सा मतलब बैड फील कर रहे थे उस टाइम, तो उस समय तो लगा कि अब पटना से राजगीर पहुंच नहीं पाएंगे, बट हम लोगों ने इसे थोड़ा सा रस दिया और उसके बाद वेट करते हुए राजगीर का शांति स्तूप का दर्शन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ब्रेक लगा के चलना है, मजा आया है उतरने में, तो गजब का फील है ना, चढ़ने में भी ठीक ही था और चढ़ने में भी ठीक था ना, वाह तो देखिए देखिए अच्छी सब घेरा हुआ है, नहीं नहीं घेरा हुआ नहीं है, खुले है, हाँ ओपन है, करते हैं। ये जो है रोशन भाई है, ये जो है भाई प्रकाश, और हम लोग फाइनली जो है वो उतर चुके हैं। थोड़ा सा बस कुछ एक चीज है कि देखिए गर्मी बहुत अच्छा फीलिंग आता होगा प्रकाश, राउंड बाय सुबह तो माओ ना, तो एक चीज है यहाँ पे कि राउंड बाय राउंड देख रहे हैं चारों तरफ केवल सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, जो नजारा है वो है बहुत मतलब जंगल ही जंगल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीछे पूरा खाई है, गिरने के बाद बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ से लोग उतरते हैं, ये जो है रोशन भाई है, ये जो है भाई प्रकाश है, और हम लोग फाइनली जो है वो उतर चुके हैं। थोड़ा सा बस कुछ डिस्टेंस बचा है, और यहाँ पे जो है देख रहे हैं पूरा जंगल है, खाई है, और यहाँ पे जो है यहाँ से जाते हैं वो जो है लिफ्ट वाला है, देख सकते हैं कि ऊपर से उतरते समय देखिए नेचुरल झूला का उपयोग कर रहे हैं, और आपको ये नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा, ये मिल सकता है तो राजगीर में शांति स्तूप पे चढ़ते समय। तो आप देखिए देखिए सूरज डूबने की ओर है, अरे क्या हम लोग लाल में था। तो फाइनली जैकेट पहन के अब निकलेंगे यहाँ से, अब आ गए हैं बाइक पास, यहाँ पे अपना बाइक है, और यही जो है अपना जो भी है बाइक बोलिए जो भी बोलिए, और सफारी है, और यहाँ से निकलेंगे हम लोग, सब पहन रहे हैं, हाँ निकलना ही है बस, अब बोटिंग के लिए हम लोग पटना जू में कर लेंगे, बोटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बोटिंग कहीं भी कर सकते हैं हम लोग का था। अब नेक्स्ट वीक आएंगे हम लोग जू सफारी और ग्लास ब्रिज घूमने के लिए, स्पेशल टिकट बुक जो है अभी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग फाइनली जो है वो निकल चुके हैं,